क्या आप चंदन ऑयल इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट के लिए चंदन ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है क्या आपको पता है? मेरे बच्चों के लिए मैं चंदन ऑयल का कैसे यूज़ करती हूँ, चलिए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। आप लोग बोलते हैं मुझे बच्चों को भी काम लगाते जाओ बोलकर, देखिए एक पाउच धो कर इसको बोली हूँ, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। जा बेटे ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से झटकार पानी और ऊपर क्लिप लगा के आ, हमारे घर पर झटकारा और वो पाउच उड़ के जाकर वो बिल्डिंग के अंदर गिर गया। ऐसे फिर ऐसा इतना काम करने के बावजूद मैं खुद कर लूँ बेहतर रहता। देख जा वहाँ अंकल वगैरह कौन है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। अभी तो लॉक है, कोई आए नहीं है, वैसे काम चालू है, दोपहर से देखना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद ये भैया आए, इनसे बात करी मैं, भैया मेरे बच्चे का पाउच पड़ा है बिल्कुल, तो वो ऐसे बड़ी बड़ी आँखें करके पूछ रहा है मुझे यहाँ कैसे आया। तो मैं बताई ऐसा ऐसा बच्चा झटकार रहा था, ठीक है लेके जाओ बोला। ये देखिए जाकर लेकर आ रहा है। गंदा है क्या? साफ है? गंदा हुआ जा, अब रख जा दो तू वापिस। एक्चुअली आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली थी, पर दूसरे वगैरह बहुत सारे सीन आ गए ना, तो फिर मैंने मेरा मॉर्निंग रूटीन कट किया है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। सुबह सुबह मोबाइल टैब वगैरह चार्ज लगा दिया, खिड़कियाँ ओपन कर दी। यूसुफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ, कुछ अलग बनाना बोल रही थी तो यूसुफ बोला अम्मी मुझे मैगी याद आ रही है। चलिए पिछले कुछ वीडियोस पहले आपने मेरी बहन की रेसिपी देखी थी, आज मेरी रेसिपी देखिए। मेरे दोनों बच्चों के हिसाब से मेरी रेसिपी अलग होती है। आज की रेसिपी थोड़ा सा जूसी जूसी है। ज़ीरा डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाला, अच्छे से पका लिया, आधा टमाटर डाल रही हूँ। मैगी को तो कई लोग अपने तरीके से हिसाब से पकाते हैं, वैसे ही ये मेरी भी रेसिपी है। एक पैकेट मसाला डालकर अच्छे से भून लिया, डेढ़ ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसके ऊपर से और एक पैकेट मसाला डाल दिया, मतलब दो पैकेट मैगी बना रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, एक चुटकी नमक, पानी उबल रहा है, मैगी डाल दिए, नूडल्स डाल दिए। और मैगी दो मिनट में तो पकती नहीं है, बस इसे 3-4 मिनट लग गए। बाकी की जो बाकी थी मैगी, 4 का पैकेट था, क्लिप लगा कर रख दिया। ये देखिए मैगी ऐसी बनाती हूँ यूसुफ के लिए। ज़हीन के लिए ड्राई होती है, शायद पिछले वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, नहीं तो जब वो आएगा तब उसके लिए जब बनाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी। आज वैसे छोटा मोटा सफाई अभियान चालू है। तेल के बॉटल ऊपर से धो लूँगी, धूल बहुत ज़्यादा है, इसमें तेल है, जस्ट पानी नहीं जाने दूँगी अंदर, ध्यान रख के धोऊँगी। जब खाली होती हैं तो अंदर से धोकर धूप में सुखा कर लाकर तेल भरती हूँ। आज देखिए कितना सारा दंगल मचा के रखी हूँ, रात के भी बर्तन हैं इसमें। और मैंने आज क्या किया है, ये दोनों रैक साफ़ किए हैं, डिब्बे भी चेंज किए हैं, जो कांच के लाई थी वो यूज़ कर रही हूँ, और नीचे का तो कांच का हुआ ही है, तो इस वजह से है ना बर्तन धोने के ज़्यादा गिर गए हैं। इधर कपड़े धोने लगाई हूँ, और रोज़ तो हाथ से धोती ही हूँ, पर हफ्ते में एक बार वॉशिंग मशीन चलाकर पूरे कपड़े धो लेती हूँ चूल्हे के।
यूसुफ को बर्ड्स का, पेट्स का बहुत शौक़ है। मेरे पास पैरोट था, रैबिट्स थे, बकरियां थे, कुत्ते थे, और क्या थे, बदक थे, मुर्गियां थे, बहुत चीज़ें पाल चुकी हूँ। क्या बोलते हैं, वो कलरफुल बर्ड रहते हैं ना, वो भी थे। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं बोलकर है ना, मैंने सब निकाल दिया है, और मेरी ही इधर उधर रहना हो रहा है तो उनका देखभाल कौन करेगा। ये देखिए, मैं मुरमुरे छानने के लिए छन्नी ढूँढ रही हूँ, इतने ऊपर रखी हूँ, इतने ऊपर से ले लूँ, दो इंच हाइट तो बढ़ी गई मेरी। सच में जी, जो छोटी टीनेज बच्चियां होती हैं ना, उनका जो भी सामान होता है ना, थोड़ा सा ऊपर रखें, वो ऐसा लेने जाकर ऊंचा हाथ करती है ना, तो हो सकता है इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। एक ऐसे ही देसी जुगाड़ है ये। चलिए, स्नैक्स के तौर पर खाने के लिए कुछ है नहीं। मैं तो तीखा खाऊं तो भी एसिडिटी हो रही है, ना खाऊं तो भी हो रही है, बहुत परेशान हूँ एसिडिटी से, और हर मुमकिन इलाज कर चुकी हूँ, कितने करके एसिडिटी की गोलियाँ खाऊं, तो भूख तो लगती है ना जी, खाना थोड़ी बंद कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा है, ये देखिए सब फीका फीका, खारी बूंदी के साथ कुछ मसाला आया है, मुरमुरे, शौ और खारी बूंदी और घाटी मिक्स करके रख रही हूँ। बस एक दो निवाले मुंह में डालूंगी, और यूसुफ को भी है ना, चलते फिरते कुछ खाने का मन करता है, तो उसको भी बताई हूँ, तो अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये भी तो दो मुट्ठी खा सकता है बेटे बोलकर। वैसे हमारे कर्नाटक की ये फेवरेट रेसिपी है मेरी और पात्री साहब की। इसमें हम है ना, हमारे उधर थोड़ी सी तीखी कलरफुल खारी बूंदी मिलती है, वो डालकर प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू डालकर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तड़का नहीं लगाते हैं, वाइट ऐसे ही चुरमुरे होते हैं। चलिए, इधर साइड में है ना चावल चढ़ा दिए, और कल परसों एक कमेंट आया है, ये वीडियो पहले बनाई हूँ डियर, इसलिए आज मैं वो आपकी टिप यूज़ नहीं करी हूँ, आने वाले वीडियो में जब सफ़ेद चावल चढ़ाऊँगी ना, तो आपका टिप ज़रूर यूज़ करूँगी, और उससे फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये भी मैं, नुकसान तो क्या होगा, जस्ट जो नहाता है कुकर वही नहाएगा ना, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। चलिए, आज मैं है ना एक उड़ीसा की रेसिपी बना रही हूँ, मेरी सहेली बना कर देती है, पर मुझे बहुत पसंद है ये रेसिपी। काफ़ी दिन से सामान नहीं था, आज सारा सामान जुड़ा हुआ है, तो आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। उड़ीसा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं तो सब्जियों की कड़ी बोलती हूँ। कद्दू, कच्चा केला, बैंगन, टमाटर, आलू लिया है मैंने, ये देखिए, इसको इस तरह से बड़ा बड़ा ही कट करना है। छोटा छोटा कट करेंगे तो पक कर पिघल जाएंगे, बड़ा बड़ा कट करेंगे ना तो खाने में अच्छा लगता है। ऐसे बैंगन को बीज हो जिनको थोड़ा सा भी जैसे खुजली का परेशानी हो, आँख खुजाते हो, या फिर कहीं भी जैसे बदन वगैरह खुजाता हो ना, तो ये बीज वाला बैंगन ना यूज़ करें, वो खुजली बढ़ जाएगी। चलिए, धो लिया सारी सब्जियाँ, 1.5 कप भर के पानी डाला, 1 टमाटर डाला, और ये बेल बजने के बाद मैं एकदम से आंखें मूंच ले रही हूँ ना, इसी वजह से, ये देखिए। बेल ख़राब हुई है तो उसको ऐसे जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, कोई भी नए आने के बाद बजाते हैं तो वो बजते ही रहती है हमारे जाने तक। चलिए, इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालकर, अब इसको स्लो आंच पर, अभी तो हाई फ्लेम है, उसके बाद कम कर देंगे, 10 मिनट तक, मतलब सब्जियों के पूरा गलने तक पकाते रहेंगे। कुकर में भी पका सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा पकाने से टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। परसों जो पास्ता उबाल के रखी थी, यूसुफ मना किया था, बस उसे बेसिक सा पोहे वगैरह बगारते हैं ना, चावल, लेफ्ट ओवर चावल वगैरह, वैसे ही बगार कर दे रही हूँ, क्योंकि पास्ता खाने के लिए बहुत मना कर रहा है, चिढ़ रहा है वो, अभी कैसे भी करके तो ख़त्म करना है ना, थोड़ा ही रखी हूँ, और आधे से ज़्यादा मेरी सहेली को भी भेज कर दी हूँ। यहाँ बेसिक सा तड़का लगा रही हूँ, तेल डाला, तीखी वाली सूखी लाल मिर्च डाली, राई डाला, ज़ीरा डाला, पत्थर से कूट कर लहसुन की कलियाँ डाले, इस
इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पानी डालकर उबाल कर माड़ निकाल के फेंक के चावल बनाते हैं, पता है आपको, स्टार्च निकाल के। वैसे चावल खाएंगे और ये सब्ज़ी खाएंगे ना तो वेट लॉस का एक बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखिए कितनी सारी सब्ज़ियाँ हैं, और आप ये सब्ज़ियाँ देखकर ऐसा मत समझिए कि टेस्टी नहीं लगते हैं, हर सब्ज़ी अपने आप में टेस्टी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने साथ में एक पापड़ भी भुना है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक तरफ से ड्रिल मशीन चालू है, दूसरी तरफ फ़ोन आ रहा है, और अल्लाह भी बोल रहा है, थेरना रानी मैं भी तुझे ज़रा सा छेड़ता हूँ, मतलब बारिश हो रही है जी, ज़ोर बारिश हो गई तो पनालों का आवाज़ और पानी का आवाज़ सब आएगा ना। चलिए, अल्लाह भी है ना मेरे साथ थोड़ा सा आँख मिचोली खेल रहा है। देखेंगे तू कितना इंतज़ार करती है वॉइस ओवर के लिए। ये देखिए, मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं, टोटल में ये जो सालन है ना मुझे बहुत पसंद है। पात्री साहब सिर्फ इसकी ग्रेवी खाते हैं, सब्ज़ियाँ कुछ नहीं खाते हैं, सब्ज़ियाँ में टेस्ट नहीं है वो मत दे मुझे बोलते हैं। मैं और यूसुफ सभी खा लेते हैं, जहीन क्या करेगा पता नहीं। क्योंकि अभी जहीन का टेस्ट भी चेंज हुआ है ना, वो भी काफ़ी सारे सब्जियां खा रहा है। चलिए, ये कपड़े सूख गए हैं, इसको अंदर लेकर जाते हैं। मुझे वो जो सब्जियों की कड़ी बनाई थी ना, उसमें का कद्दू और केला बहुत पसंद आया। यूसुफ को आलू और केला पसंद आया, मतलब हर चीज़ अपना अपना खुद का फ्लेवर रखता है। चलिए, काफ़ी सारा काम ख़त्म करके, ये असर का टाइम होकर गया है शायद, बाहर रुकी थी थोड़ी देर के लिए। अंदर मैंने ये भी काम किया था, बड़ी सी कोतिमीर की पेंडी अच्छे से धोकर, नहीं चुन कर धोया, उसको सुखा लिया है, अब इसको बारीक कट कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक ही जो डिब्बा है ना वाइट वाला, एक डिब्बा भर के रखी थी। 8 दिन तक हरा धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, बीच बीच का एक पत्ता काला हो गया था, सूखा था, सड़ा नहीं था, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा करके रख रही हूँ। आने वाले वीडियो में इसका भी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी, 15 दिन तक अच्छा था या जल्दी सड़ा। लेकिन इसका एक ये है, धोने के बाद पूरा पानी सूखना ज़रूरी है, तभी हरा धनिया अच्छा रहेगा। चलिए, आज चिकन की 3 रेसिपी बना रही हूँ। 1 किलो चिकन है ये, ये वाला जो कटोरी में है वो ग्रेवी बनेगा, और जो प्लास्टिक बाउल में है वो फ्राई होगा, और स्टील बाउल में है वो बिरयानी बनेगा। इस तरह से चिकन को, मटन को मसाला लगाकर फ्रोज़न करने के बाद है ना, आप जब चाहें तब निकाल कर बिरयानी बनाकर खा सकते हैं। महीनों तक ये चिकन कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आपके इधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बार बार लाइट जाती है फ्रोज़न से, फिर डिफ्रॉस्ट हो जाता है, फिर वापस फ्रोज़न होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। अगर एक बार फ्रोज़न होने के बाद जब तक हम बाहर ना निकालें तब तक फ्रीज ही रहता है, तो समझ जाइए आप इसे 2-4 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इधर देखिए, लाल चिकन याद आया है यूसुफ को। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाला है, नमक भी कम डाला है क्योंकि ये आटे में नमक वगैरह सब होता है। और ये आटे की, लाल आटे की, KFC आटे की, 1 किलो की, 2 किलो की रेसिपी, लाल आटा चिकन फ्राई, YPE
मॉम एंड फूड बोलकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आधा सारा वीडियो देखकर मुझे ही कमेंट करते हैं गेहूं के आटे से फ्राई किया बोलकर। नहीं जी, गेहूं के आटा नहीं है ये, इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर सुकून से देखें वीडियो को। आप अगर कुकिंग करते हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर समझ जाइए आप 18 से 22 साल से लेकर है ना आप 50 साल की ऊपर तक की लेडी हैं और मेरा वीडियो गलती से आपके सामने आया है, तो प्लीज़ पूरा देख लें, एक वीडियो पूरा देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि ये इस चैनल पर क्या दिखाते हैं। तो आपको खुद पता चलेगा कि रेसिपीज़ कैसी बनती हैं, सिंपल बनती हैं, टेस्टी रहती हैं, कम टाइम में बन जाती हैं और आपको खूब सारी तारीफ़ भी बटोर के देंगे। पिज़्ज़ा वगैरह ये तो बाहर भी मिल जाता है, घर पर भी बनाने के बाद तो कुछ यूनिक होता है, खाने को अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ का पकवान टेस्टी बनाकर देखिए फिर क्या बात होगी। चलिए, उसी बीच में मैंने कपड़े भी घड़ी डाल दिए, थोड़ा सा टाइम चुरा कर अल्लाह को भी याद कर लिया और इधर सालन बना रही हूँ। ये झटपट वाला सालन है, मैं और यूसुफ़ ही हैं, पटापट हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। चिकन को प्रॉपर फ्राई करने का तरीका इससे पहले वाले वीडियोस में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, ये वीडियो देखने के बाद लगे कि आपको ये कैसे फ्राई किए तो आपको पिछला वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे, 2, 4, 6। आप अगर कुकिंग करना चाहती हैं, नहीं तो फिर क्या, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब पर तो बहुत चीज़ें मौजूद हैं। चलिए, उधर जाकर रेसिपीज़ पूरी देख लेना, आपकी कुकिंग इन्हांस हो जाएगी। ये देखिए, खट्टा मिर्ची का टेस्टी टेस्टी सालन बना है। आज यूसुफ है ना थोड़ा सा लेट करा है, 10 मिनट लेट हुआ है, और 10 मिनट लेट होगा तो फ़ोन करती थी, 10 मिनट ही है तो मैं इंतज़ार कर ली। ये देखिए, बैग की चैन निकाल कर लाया है, बहुत हबड़ जबड़ काम करता है जी, अभी मतलब साल में, ये साल भर में कुछ नहीं तोड़ा है, नहीं तो हर 15 दिन में कोई भी चीज़ तोड़ के रखता है, कोई भी चीज़ तोड़ के रखता है। तो अभी वही बोली, बैग इतनी मजबूत क्यों तोड़ा बेटे बोलकर, और दूसरी बैग पसंद भी नहीं आती है, घर में 4 बैग हैं फिर भी यही बैग लेके जाएगा। अब उसको जल्दी से सी दूंगी तो सही रहेगा, पर मैं भी भूल रही हूँ जी, काम करने का याद ही नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी सीने की। ये देखिए, उसको चिकन है ना ये बार बार याद आता है, अब पहले छोटा था तो बोलता नहीं था, मुझे पता नहीं चलता था, अभी बोल रहा है अम्मी लाल चिकन बनाओ बोलकर। ये देखिए, सालन चावल लाल चिकन, आज हमारा ये डिनर है। अरे एक यादगार रहती ना, कहाँ 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 घूम रहा था तेरे बच्चा को पता नहीं। ये भी रूम में जाता है, लाइट तो लगा। चुप रहे। खाना खाने के बाद छोटा था तो बहुत उल्टियां करता था, तो मैं बोली खाना खाने के बाद चल इधर से उधर फिर जा, पहले बोल के भेजती थी ना, तो उसको जो नर्सरी में जो आदत पड़ी है ना वो अभी तक है। ये देखिए, खाना खाने के बाद घर में कोई रहो ना रहो आपके बीच में से जाके पूरा घर घूमेगा वो। चलिए, चंदन ऑयल का इस्तेमाल देखिए, मैं ऐसे करती हूँ, रुमाल पर 2 बूंद डाल देती हूँ। ये ओरिजिनल एडिबल, एडिबल मतलब खाने वाला चंदन ऑयल है, इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल है। ये देखिए, इस तरह से मतलब पूरे भवें और सर तक ऊपर तक जाना चाहिए, हर आधे घंटे में इसकी स्मेल लेना
लेना चाहिए, इससे मेमोरी पावर बढ़ती है, मतलब याद रखने की कुव्वत बढ़ती है दिमाग की। मतलब मेरे हिसाब से चंदन ऑयल सूंघने की वजह से है ना दिमाग शांत होता है, जो भी पढ़ाई करे रहते हैं याद होता है। मैं ये जहीन को भी करती थी और ये यूसुफ को भी कर रही हूँ, देखिए, क्योंकि अभी काफ़ी स्ट्रेस में है और पढ़ाई वगैरह ज़्यादा करना है, तो इस वजह से मैं हर घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे ये भी यूज़ करते रहती हूँ। वो देखिए चंदन ऑयल की बॉटल बताइए बोलकर बोल रहा है। चंदन ऑयल खा भी सकते हैं मगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, एक सुई के नाके बराबर गर्म या ठंडे पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, मगर ये खुद से नहीं करना चाहिए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताकर क्यों पीना चाहते हैं, किस लिए पीना चाहते हैं, ये सब जांच के आप पी सकते हैं। पूरी डिटेल मालूम चाहिए आपको चंदन ऑयल के बारे में तो यूट्यूब पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शालिनी बोलकर, आप उनका चैनल चेक कर सकते हैं। वो चंदन ऑयल के बारे में हर चीज़ बताती हैं, ऐसा बोलती हैं कि उन्होंने ही इन्वेंट किया है ये चंदन ऑयल का। चलिए, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।